अच्छे जैसे आशीष संतलानी है और भुवन बम है तो Hey guys, welcome back to my YouTube video channel. So, আজি ভিডিওটো অলপ বেলেগ ধৰণে বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। অলপ মানে বহুতে বেলেগ ধৰণে বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। So, ভিডিওটো পুৰা শেষ হ'লৈ চাই থাকিব আৰু চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি লগতে কৰতে বেল আইকনটো সৰেকে প্ৰেছ কৰিব আৰু যি সকলে প্ৰেছ কৰিছে বেল আইকনটো একবাৰ চেক কৰি লও প্ৰেছ কৰিছে নাই। So, হেইটোৱে। So, আজি ভিডিওটো আমি হিন্দীত বনাম কাৰণ মই হিন্দীত বনাম কারণ মই বেঙ্গলীতে ভিডিও বনাইছো আর এসএমএস তো বনাই থাকো। সো আজি ভিডিওটো অলপ হিন্দীত বনাবলৈ চেষ্টা করিম। সো ভিডিওটো পুরো হেকলে চাই থাকিব, মানে ইউটিউব ভার্সেস টিকটক চলি আছে না, সো হেইটুক লৈ কেরিমিনাটি রোস্ট করার পাছত মিস্টার 5207 কি রিপ্লাই দিলাক কেরিমিনাটিক। সো হেইটু টপিকতে ভিডিও যাব, ভিডিওটো পুরো হেক হলৈ চাই থাকিব। সো হিন্দীত এন্টারটো মারিলো। হ্যালো, মেন আমেরিকে আপডেট রেডিকে ব্লগ ইউটিউব চ্যানেল। तो अभी हम देख लेते हैं उस क्लिप को मिस्टर फैसो ने कैरेमिनाटी को जो बोला, तो उस क्लिप का हम लोग अभी देख लेते हैं। चलिए, आज के जमाने में यूट्यूबर्स थोड़े रोस्ट कर रहे हैं टिकटॉकर्स को, इस पर तुमको क्या कहना है भाई? भाई देखो, दोनों प्लेटफॉर्म अपनी जगह है, वो यूट्यूब है और ये टिकटॉक है। उसके कंटेंट बहुत अलग होते हैं यूट्यूब के और टिकटॉक के कंटेंट बहुत अलग होते हैं। मतलब यूट्यूब के यूट्यूब में तो पूरी पूरी मतलब पूरा सेटअप लग जाता है अगर कोई एक अच्छा सा कंटेंट बना के उसे अपलोड करना है अच्छे चैनल पे। और टिकटॉक पे एक नॉर्मल फोन लगता है, लाइक्स लगती है, मगर ऐसा है कि ये प्लेटफॉर्म पे टिकटॉक पे भी मेहनत है। अगर आप ट्रांजिशन वीडियो की बात करोगे तो ट्रांजिशन में भी टाइम लग जाता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मतलब यूट्यूबर्स जो बहुत सारे टिकटॉकर्स को जो रोस्ट कर रहे हैं ना, मतलब वो टिकटॉकर्स को कर रहे हैं जो मतलब कुछ भी नहीं बनाते हैं और लोग कभी कभी लोग पसंद कर लेते हैं उन्हें तो वो उनका रोस्ट कर रहे हैं। कितने 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 मतलब टिकटॉकर जैसे भी है जो मतलब अभी अभी नए नए आए हैं मार्केट में और उन्हें मतलब लोग पसंद कर रहे हैं। अब वो टिकटॉक प्लेटफॉर्म है, अब वो लोग उधर के उधर वो पसंद करेंगे वो जो भी करें, मगर कभी कोई दूसरे बड़े प्लेटफॉर्म को देख के भी ये लगेगा कि यार मतलब इधर पे तो किसी को भी कुछ भी फेमस किया जा रहा है, मतलब कुछ भी बताया जा रहा है, ऐसा है। तो हर प्लेटफॉर्म में मेहनत है, यूट्यूब पे भी बहुत ज्यादा मेहनत है। यूट्यूब में अगर एक कोई कंटेंट अगर बनाना है अच्छे से अगर साथ में पूरी टीम के साथ में तो बहुत टाइम लग जाता है, एडिटिंग में बहुत टाइम लग जाता है, क्लीन कंटेंट पूरा जाता है, तो मतलब उसमें भी मेहनत है और इसमें भी मेहनत है। अच्छा मुझे बताओ, तो आपको लगता है ये यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक जो रोज कर रहे हैं वो सब नहीं होना चाहिए? है ना? नहीं नहीं, जरा भी नहीं होना चाहिए। और रोस्टिंग होती है ना, तो रोस्टिंग कैसी होती है पता है, मेरी भी हुई थी और मैंने वो मतलब मेरा जो रोस्टिंग मैंने देखा था ना वो मेरे को देख के ना हंसी आई, मुझे मेरा कंटेंट देख के हंसी आई, तो वो रोस्टिंग है। मतलब हाँ यार, किसी ने रोस्ट किया है मतलब अच्छा लगता है यार कि हमेशा क्या वाह वाही लो, कभी खुद की बुराई भी सुनो, मगर खुद की बुराई भी ऐसी जो हंसी में बदल जाए तो वो अच्छा लगता है देख के। रोस्टिंग तो ऐसा हो गया है कि मतलब अच्छा नहीं लगता है आज के टाइम में। मतलब रोस्टिंग ऐसा नहीं होना चाहिए जो गाली गलौज हो रही है और मतलब गाली दिया जा रहा है, लड़कियों को कुछ भी बोला जा रहा है और अलग तरीके से बताया जा रहा है जैसा होना नहीं चाहिए, तो ये चीज गलत है। अब मुझे बताओ, तुम YouTube में आना चाहते हो, अपना चैनल खोलना चाहते हो कि नहीं खुद का? हाँ हाँ, इंशाल्लाह मेरा मतलब यही रमजान में मैं चैनल खोल लूंगा इंशाल्लाह। कौन से यूट्यूबर्स को तुम थोड़ा फॉलो करते हो? अरे मतलब यूट्यूबर्स में तो बहुत अच्छे अच्छे जैसे आशीष संतलानी है और भुवन बम है, तो मतलब इनके तो कंटेंट नेक्स्ट लेवल होते हैं, मगर थोड़ा अडल्ट कंटेंट होते हैं। तो और भी बहुत सारे और मतलब इंशाल्लाह मैं भी आऊंगा। वीडियो को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए और एक वीडियो में।